नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल Noisy में। और पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं YouTube चैनल Noisy में, जिसमें उर्दू के ऐसे लीगल वर्ड्स जो FIR में उपयोग में आते हैं या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, आपराधिक कार्रवाइयों में, फौजदारी कार्रवाइयों में जिन उर्दू शब्दों का इस्तेमाल होता है, जो कभी न कभी हम जब केस डायरी पढ़ते हैं, चालान पढ़ते हैं, तो हमें वो उर्दू शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता है, जिसकी वजह से कई परेशानियां होती है। तो कानूनी शब्दावली को विस्तार देने के लिए, कानूनी शब्दावली को समझने के लिए एक श्रृंखला प्रारंभ की गई, जिसमें 3 वीडियो लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कानूनी शब्द जो FIR में उपयोग में आते हैं उनको समझा। आज इसी श्रृंखला का ये 4th लेक्चर है। इसमें हम लोग कवर करेंगे ऐसे कानूनी शब्द, ऐसे लीगल वर्ड्स जो FIR में उपयोग में आते हैं, आपराधिक कार्रवाइयों में उपयोग में आते हैं, फौजदारी प्रोसीडिंग्स में उपयोग में आते हैं, और जिनका जानना हमें जरूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं द लीगल वर्ड्स यूज्ड इन द FIR पार्ट 4। आज 4th लेक्चर है इसका, FIR में उपयोग में आने वाले कानूनी शब्द। तो आज हम महत्वपूर्ण इस 5 मिनट के वीडियो लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लीगल वर्ड्स यानी जो उर्दू के हैं उसको कवर करते हैं। रवानगी, कई बार आप लोगों ने केस डायरी में या किसी केस में देखा होगा रवानगी, तो रवानगी का मतलब यहाँ पर डिपार्चर होता है। रवानगी का मतलब कहीं जाना, इसको डिपार्चर कहते हैं। लिहाजा, कई बार एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे हम लिहाजा कहते हैं, तो लिहाजा को इसलिए अथवा सो कहा जाता है, तो लिहाजा इज ऑल्सो कॉल्ड इसलिए अथवा सो। नेक्स्ट वन इज वालिदैन, कई बार हम लोगों ने शब्द सुना है कि वालिदैन, फला व्यक्ति के वालिदैन आए, तो वालिदैन का मतलब यहाँ पर माता पिता होता है, जिसे हम पेरेंट्स कहते हैं। तो वालिदैन वर्ड जो है FIR में जो उपयोग में आता है उसका मतलब होता है माता पिता अथवा पेरेंट्स। संगीन शब्द हम लोगों ने कई बार सुना है कि उस व्यक्ति ने संगीन अपराध किया, तो संगीन का मतलब गंभीर होता है, ग्रीवियस है, इसको हीनियस क्राइम भी कहते हैं। हीनियस यानी ऐसा अपराध जो बहुत ही गंभीर प्रकृति का, जैसे हत्या, लूट, डकैती, इसे संगीन प्रकृति का अपराध कह सकते हैं। कई बार आप लोग जब पुलिस की केस डायरी पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है सुराग, कि सुराग मिला, तो सुराग मिला मीन सुराग मतलब क्लू, किसी चीज का क्लू मिला मतलब तार मिल गया जिससे हम फैक्ट तक पहुंच सकते हैं, इसे सुराग कहा जाता है। अगला उर्दू वर्ड है रिश्वत। अभी रिश्वत देखा जाए तो कॉमनली हम लोग इसे यूज करते हैं, इसको हिंदी में घूस बोलते हैं, और घूस को ब्राइब कहा जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड इज बदनीयत, तो बदनीयती से काम करना, बदनीयती का मतलब होता है इल इंटेंशन, बुरे आशय से, बेड इंटेंशन से काम करने को बदनीयती कहा जाता है। जुर्म, जुर्म एक बहुत कॉमन वर्ड है, अनेक इसके मूवी भी आ चुकी है जुर्म के नाम से, तो जुर्म को हम ऑफेंस कहेंगे, जिसे हम क्राइम भी कहते हैं, तो जुर्म को ऑफेंस कहा जाएगा। अनदर उर्दू वर्ड इज जिस्म, तो जिस्म को यहाँ पर बॉडी अथवा शरीर कहा जाता है। एक और आता है हलरून, कई बार ये शब्द FIR में आता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हलरून क्या होता है। हलरून यानी ऑन ऑथ, एफिडेविट पर, यानी शपथ पर, कोई चीज शपथ पर ली जा रही है उसे हलरून कहा जाता है। नकल रपट, कई बार केस डायरी में नकल रपट का भी उपयोग, नाम उपयोग में आता है। नकल रपट को कॉपी ऑफ रिपोर्ट कहते हैं, नकल का मतलब कॉपी, रपट यानी रिपोर्ट होती है। निशानदेही, कई बार जब हम संबंध तामील करवाते हैं तो एक शब्द आता है निशानदेही पे तामील कराना, तो निशानदेही का मतलब होता है पॉइंटिंग आउट, यानी व्यक्ति को संबंध हाथ में दे दिया जाता है और वह व्यक्ति जिसको संबंध जारी कर रहा है वहां तक वो व्यक्ति स्वयं जाता है कोर्ट के कर्मचारियों के साथ में और पॉइंटिंग आउट करता है कि इस व्यक्ति को संबंध देना है, इसको निशानदेही कहा जाता है। आरिंदा, कई बार आप जब जो प्रोसीडिंग्स देखते हैं उसमें आरिंदा शब्द का भी इस्तेमाल होता है, तो आरिंदा एक उर्दू शब्द है और इस आरिंदा का मतलब होता है रिपोर्टिंग पर्सन, यानी किस व्यक्ति को हमको रिपोर्ट करना है, जैसे PI को रिपोर्ट करना है, SP को रिपोर्ट करना है, तो आरिंदा मतलब रिपोर्टिंग पर्सन। अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड इज नाजायज, नाजायज शब्द जायज, नाजायज ये हम लोग कई बार यूज भी करते हैं, जायज का मतलब होता है जो लॉफुल है और नाजायज जो अनलॉफुल है, इसे हम इलीगल भी कह सकते हैं, नाजायज मीन्स अनलॉफुल। अनदर वर्ड इज ताइथ, कई बार ताइथ शब्द का भी इस्तेमाल होता है, ताइथ का मतलब होता है कन्फर्म, किसी चीज को कन्फर्म करना या स्वीकार करना, इसे ताइथ कहा जाता है। मासूम, ये बहुत कॉमन शब्द है, हम लोग भी उपयोग में लेते हैं मासूम, जिसे हम इनोसेंट कहेंगे। मुकाम, व्यक्ति अपने मुकाम पर पहुंच गया, इन्वेस्टिगेशन अपने मुकाम पर पहुंच गई, तो मुकाम एक उर्दू शब्द है, मुकाम का मतलब होता है स्थान, एक पर्टिकुलर प्लेस। अनदर वर्ड इज जनाबे आली, कई बार ये वर्ड यूज होता है, कई गानों में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है, आपका क्या होगा जनाबे आली, तो ये जनाबे आली का मतलब सर होता है, जिसे हम महोदय भी बोल सकते हैं कि आपका क्या होगा महोदय, तो महोदय अथवा सर। देन जर, जर एक शब्द है, जर जोरू जमीन, कई बार हम
उपयोग में लेते हैं कि जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उसकी जड़ होती है जर, जोरू और जमीन। तो जर का मतलब यहाँ पर वेल्थ होता है, वेल्थ यानी संपत्ति। जर इसको कहा जाता है जलील करना, जलील इज काइंड ऑफ इंसल्ट, किसी की इंसल्ट करना, जलील करना। बेशकीमती, ये शब्द बहुत कॉमन है, हम लोग यूज करते हैं। बेशकीमती यानी वैल्यूएबल, मूल्यवान, जो चीज बहुत मूल्यवान है उसे बेशकीमती कहा जाएगा। गैर कानूनी, इट इज अ वर्ड यूज फॉर इलीगल, जो लॉफुल नहीं है, जो कानूनी नहीं है उसे गैर कानूनी कहा जाएगा। बयान, पुलिस ने बयान लिखे, तो बयान का मतलब यहाँ पर कथन होता है, पुलिस ने स्टेटमेंट लिखे, तो कथन अथवा स्टेटमेंट को बयान कहा जाता है। गश्त, पुलिस द्वारा गश्त लगाई जाती है, तो गश्त का मतलब होता है पेट्रोलिंग, किसी जगह पर पुलिस द्वारा गश्त लगाना, गश्त लगाने को पेट्रोलिंग इसको कहा जा सकता है। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, रवानगी, लिहाजा, वालिदान, संगीन, सुराग, रिश्वत, बदनीयत, जुर्म, जिस्म, हलरून, नगर रपट, निशानदेही, आरिंदा, नाजायज, ताइत, मासूम, मुकाम, जनाबे आली, जर, जलील, बेशकीमती, गैरकानूनी, बयान और गश्त। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। Kindly subscribe my channel Law Easy.